मस्जिद का जो मलबा है वो 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इधर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो, अभी ये इनर कोर्ट्स में हम जाके देखेंगे, वो एक कम्युनिटी हब बन जाएगी। वाह, जैसे आप लोग मस्जिद में एंटर होते हैं ना, अभी हम लोग जी वॉक करके जाते हैं सामने मीनार जो है वो इनके पास जो है कुछ जगह देखते हैं, वहाँ से शायद थोड़ा सा जी हाइट पे तो व्यू जो है वो अच्छा आएगा। मस्जिद से पहले ये एक छोटा सा जो है वो एक गार्डन या पार्क आप इसे कह सकते हैं, जिससे अली भाई बता रहे हैं कि ये कुरानिक बोटैनिक गार्डन है और यहाँ पे मोस्टली जो प्लांट्स वगैरह जिनका कुरान पाक में जिक्र आया है या हदीस शरीफ में, तो वो आपको प्लांट्स ना यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा भाई, ये मिसवाक जिसे हम इंग्लिश का नाम, इसका टूथब्रश ट्री है, इसका साइंटिफिक नेम है। 7 कुरान के रेफरेंस दिया गया है इधर, सूरत सबा वर्स नंबर 16 के अंदर ये आपको ये वाली आयत नज़र आएगी। जी जी, इसी तरह के इधर तकरीबन 25 से 27 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं जिसके अंदर कुरान का, जिसका कुरान के अंदर जिक्र किया गया है, जो कि आपको इधर नज़र आएंगी। अबरार भाई, ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि 2 मीनार हैं, मीनार 3 इसको अरबी में कहते हैं, 2 मीनार को, तो इसके ऊपर एक कुरानिक वर्स लिखी गई है। इसकी एलिवेशन का मुझे इतना ख़ास कुछ अंदाज़ा है नहीं, लेकिन इट्स सिग्निफिकेंटली। अच्छा, आज तक मैंने जितनी भी मस्जिद विज़िट की है ना जी, बहुत खूबसूरत मैंने विज़िट की हैं। ये वाली जो है ये टोटल एक मॉडर्न डिज़ाइन है, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है इसको जो देखें तो बड़ी यूनिक सी है। टावर के नीचे आ गए और आप दोनों टावर से इधर से देख सकते हैं। अब अबरार भाई, दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मीनार के बाद में जो आपको नज़र आएगी वो ये है कि मस्जिद का जो हिस्सा है पूरी बिल्डिंग का, मस्जिद का जो मलबा है वो 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है। ये इधर राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो, ये हर पिलर के ऊपर जो है इस्लाम के जो 5 रुकन हैं उसकी रेफरेंस आयत लिखी गई है। ये बड़ी खूबसूरती से, तो इसके अंदर अच्छा 4 तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 5वां ठीक है। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली इस पूरी मस्जिद की बेस है जी, और 5वां जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा सामने फ्रंट पे। तो हम एंट्रेंस ये इसके साथ ही है, हम लोग ऊपर से जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा जो है ना वो दिखाते हैं इसका। और ये जो पानी का सारा फ्लो है ये सस्टेनेबल वाटर यानी कि हम सिस्टम इसे कहते हैं, कि ये पानी दोबारा से इसी पूरी बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, नए सिरे से पानी नहीं ला जाता। तो अंदर प्लांट्स इस तरह के लगे हुए हैं कि पानी खुद ब खुद सर्कुलेट होकर वापस एक आपको नहर की एक फीलिंग इधर देते हैं। और वो बड़ा ना कोई एक ऐसा लगता है कि आप बड़ी कोई नेचर वाली साइड पे पहुंच गए हैं, जो पानी का जो शोर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है ये इनर कोर्ट मस्जिद का है, हम उसकी तरफ आ रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ऊपर कुरानी आयतों का ऊपर इंग्रेव की गई हैं, और उस तरफ जो है एक ऑलिव गार्डन इन्होंने बनाया है जिसके सारे ऑलिव के ट्रीज लगे हुए हैं, और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो है उन्होंने सारी कुरानिक आयतें किसी सूरत का रेफरेंस दिया हुआ है इसके अंदर। मस्जिद की एंट्रेंस इस तरफ है, तो मस्जिद के अंदर जाके देख रहे हैं कि अंदर सारे सामने जो उन्होंने मोस्टली जो ग्लास यूज़ किया है जी, सामने ग्लास यूज़ किया, जो है वो स्टोन है जी। ऊपर आई थिंक ये कोई एल्यूमिनियम टाइप से स्टोन है, नहीं ये भी स्टोन है सारा, ये भी सारा स्टोन है जी, क्योंकि जो उसके अंदर वो जो बने हुए ना ट्राइंगल्स बनी हैं, तो उनसे मुझे शक पड़ रहा था कि शायद ये फाइबर ग्लास या कुछ इस तरह की चीज़ जो है ना वो लगाई गई हो। हाथ लगा के हम देख नहीं सकते, थोड़ा सा ऊपर है। और ये भी बड़ी यानी कि आप जैसे कहते हैं जैन किस्म की जगह है, और ये बेसिकली हमारा जो कतर फाउंडेशन का इस बनाने मस्जिद बनाने का मकसद ये था, अभी इनर कोर्ट्स में हम जाके देखेंगे, वो एक कम्युनिटी हब बन जाइए, लोग सिर्फ इधर इबादत के लिए ना आए, वैसे भी इधर आए। जिस तरह आप देखेंगे इधर बेंचेस बने, लोग आराम से बैठ के इधर सनसेट देख सकते हैं, नेचर को इंजॉय कर सकते हैं। इधर ऑलिव ट्रीज लगे हुए हैं, कुरान के रेफरेंसेस दिए गए हैं, और ये कंटिन्यूएशन है कुरान बोटैनिक गार्डन्स की, ये जो हम अभी जिसके साथ चल रहे हैं। वाह, जैसे आप लोग मस्जिद में एंटर होते हैं ना, तो होते हैं ना बिलाख्तियार आपके मुँह से जो है ना वो निकल जाते हैं अल्फाज के, जो आपकी इसकी खूबसूरती को एडमायर करने के लिए, बयान करने के लिए। बहुत ही इम्प्रेसिव मस्जिद है और बहुत ही यूनिक है। मैंने आज तक जितनी मस्जिद देखी हैं इस तरह की मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है। और इधर आप देखें तो ऊपर जो है वो लेडीज़
वाला सेक्शन है यहाँ पे, ये मेंस प्रेइंग एरिया है। और आप इसकी छत देखें, एक वो कर्व की तरह जो है ना वो ऊपर जा रही है और काफ़ी हाइट पे है। उसके ऊपर जो है वो बड़ी खूबसूरत सी लाइट्स आ रही हैं, दरमियान में उन्होंने छोटी छोटी सी वो जो ट्राइंगल्स बनाई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। यहाँ भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ कुरानिक वर्सेस वगैरह उन्होंने लिखी हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने जो है जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, सिर्फ ये एक वाहिद जगह नज़र आ रही है जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ना गोल्ड कलर यूज़ किया, डिफरेंट यूज़ किया, और ऊपर भी आपको जो है वो कुरानिक आयात नज़र आ रही हैं। इधर जो वो इमाम साहब खुतबा देखते हैं, तो आप इवन के इसको भी देखें तो बड़े मॉडर्न स्टाइल में बनाया गया। और मुझे बताया गया कि यहाँ पे अरबिक में खुतबा होता है, लेकिन लोगों को हेडसेट दिए जाते हैं जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है ना उसका तर्जमा किया जा रहा है। तो ये आई थिंक, मैं जब मस्जिद में जाता मुझे अरबिक नहीं समझ आती, तो यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि जो बाहर से लोग आएँ उनको जो है वो समझ में लग रही हो। तो इधर जो है ये कोर्ट यार्ड है मस्जिद का, तो जब मस्जिद के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा रश होगा ये खोल देंगे और सेहन में भी लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मुझे बताया गया है कि यहाँ पे तकरीबन कोई 1500 के करीब लोग ना नमाज इस एरिया में पढ़ सकते हैं। आई थिंक सूक वाकिफ मेरी फेवरेट जगह है यहाँ पे दोहा में, और ये वाली जो है ना ये उससे भी इम्प्रेसिव है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मॉडर्न आर्किटेक्चर भी आपको इतना खूबसूरत देखने को मिलेगा, लेकिन आई थिंक उसकी रीज़न ये है कि हम जिस तरह की मस्जिद देखने के आदि हैं वो ये उनसे बहुत मुनफरिद बनाई गई है। तो शायद इसी वजह से जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक वो जो यूनिकनेस है ना वो आई कैचिंग लगती है, और बड़ी पीसफुल जगह है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम भी आए हैं, ताकि उनको जो है, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद नहीं है बल्कि ये इस्लामिक सेंटर है, तो इस्लाम की तलीम भी दी जाती है यहाँ पे। लोग फिर रहे हैं, गाइड्स वगैरह जो थोड़ा बहुत जो भी क्वेश्चन होते हैं लोगों के वो उनको बताया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कतर गवर्नमेंट का। तो बाहर थोड़ा सा और कैप्चर करते हैं और फिर हम जो है ना वो बाहर से आपको दिखाते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि ये मस्जिद जो है वो 2015 में इसको ओपन किया गया था। ना सिर्फ मस्जिद बल्कि पूरी ये जो बिल्डिंग है इस्लामिक सेंटर है, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो एक यूके से हैं, अली नाम बताया गया मुझे, और उनकी वाइफ स्पेनिश हैं। तो उन्होंने इस मस्जिद को जो है ना वो डिज़ाइन किया, तो माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मैं इम्प्रेस पड़ा हुआ यहाँ पर आके। अभी हम लोग जो वॉक करके जाते हैं सामने मीनार जो है वो इनके पास जो है कुछ जगह देखते हैं, वहाँ से शायद थोड़ा सा ये हाइट पे तो व्यू जो है वो अच्छा आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह أشهد أن محمد رسول الله